हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि गर्भवती स्त्रियों को शुरुआती महीनों से लेकर 9वें महीने तक कौन कौन सी चीज़ों से दूरी बना लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास एंड बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आज हम जानने वाले हैं कि गर्भवती स्त्रियों को किन किन चीज़ों से दूरी बना लेनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए गर्भ अवस्था के दौरान। अगर आप जानना चाहती हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो हर एक गर्भवती के लिए बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा एकदम हेल्दी रहे, पेट में उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, गर्भ में उसका विकास एकदम अच्छे से हो, अच्छे से उसकी ग्रोथ हो, उसका विकास अच्छे से हो, तो प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों के लिए डेली हेल्पफुल कॉन्टेंट आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप जान लेते हैं कि हमें किन किन चीज़ों से गर्भावस्था के दौरान दूरी बना लेनी चाहिए। दोस्तों, काफ़ी सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें मांस मछली खाना बेहद ही अच्छा लगता है, बेहद ही पसंद आता है। दोस्तों, कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे, वो चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, गर्भवती स्त्रियों को कभी भी अधपके मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे हमारे बेबी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आप जब भी, अगर आप पसंद करती है खाना मांस मछली, तो उसे धीमी आंच पे पकाइएगा, जिससे वो अच्छे से पक सके, तभी उसका सेवन आप कीजिएगा। आप अधपका कच्चा मांस मछली का सेवन भूल कर भी प्रेगनेंसी में ना कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप हो सके तो कम से कम मात्रा में आप मांस मछली का सेवन कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मछली में बहुत ज़्यादा मरकरीज होती है, जो बेबी की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। इसलिए हमें प्रेगनेंसी में कम मात्रा में मांस मछली का सेवन करना चाहिए, हो सके तो आप कम ही मात्रा में इसका सेवन करें। तो चलिए दोस्तों, आप जान लेते हैं और किन किन चीज़ों से दूरी बना लेनी चाहिए। दोस्तों, दूध तो प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, काफ़ी ज़्यादा बॉडी को एनर्जी भी देता है और हमारे बच्चे की हड्डियाँ भी मजबूत करता है। दूध प्रेगनेंसी में बहुत ही फायदेमंद होता है, इसलिए गर्भवती स्त्रियों को दूध हमेशा पीना चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको एक ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो क्या गलती है ज़रा गौर से सुनिएगा। दोस्तों, आपको भूल भी प्रेगनेंसी के दौरान कच्चे दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपको कच्चे दूध का सेवन पूरी प्रेगनेंसी में कभी भी नहीं करना चाहिए, इससे हमारे बच्चे को बीमारियां घेर सकती हैं। इसलिए हमें पूरी प्रेगनेंसी में कभी भी कच्चे दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को हमेशा दूध अच्छे से गर्म हो जाए तभी उसका सेवन करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब और बातें जान लेते हैं कि और क्या क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, काफ़ी महिलाएं होती हैं जिसे अनानास खाना बेहद ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है वो गर्भवती महिलाओं को बेहद ही पसंद होता है। लेकिन क्या आप जानती हैं, अनानास खाने से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ख़ास करके आपको शुरुआती महीनों से बिल्कुल भी अनानास का सेवन नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो गर्भ में बच्चे की संकुचन होने का खतरा बना रहता है। इसलिए हमें कभी भी पूरी प्रेगनेंसी में अनानास का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप करना चाहती हैं तो वो अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, लेकिन आप कम मात्रा में ही उसका सेवन करें। तो दोस्तों, और जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, उस पर ज़रा गौर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप प्रेगनेंट हैं और प्रेगनेंसी के दौरान आप कभी भी अधपके पपीते का सेवन बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि इससे भी आपके गर्भ में पल रहे बच्चे पर खतरा हो सकता है। आपने शायद सुना होगा, कच्चा पपीता खाने से
खास करके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हम कच्चा पपीता मतलब अधपका हुआ पपीते का सेवन करते हैं तो हमारे गर्भ गिरने के भी चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों, आपको इन चीज़ों को बहुत ही कम मात्रा में खाना है, बहुत ही कम मात्रा में लेना है, जिससे आपके बेबी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, आप आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप फिर भी लेना चाह रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा जो भी आप अपनी डाइट में शामिल करना चाह रहे हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।